वेलकम टू साइंस अध्ययन। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के सैम्पल पेपर को, जो कि NSO के 2023-24 में SOF के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर इस चैनल पर न्यू आए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो सैम्पल पेपर को सॉल्व करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है कि जो NSO 2023-24 का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसे एक बार आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एग्ज़ाम जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड होगा, यानी कि तीन सेक्शन में ये पूछा जाएगा। तो फर्स्ट जो सेक्शन है वो लॉजिकल रीजनिंग का होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक एक जो क्वेश्चन है वो किसका होगा, एक नंबर का होगा। वहीं जो सेकेंड सेक्शन है वो साइंस का होगा, जिसमें टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो एक क्वेश्चन होगा साइंस का वो एक नंबर का होगा। तो 35 क्वेश्चन जो है वो टोटल 35 नंबर के होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो अचीवर सेक्शन है वो क्या है, उसमें जो ये लास्ट वाला जो सेक्शन है उसमें 5 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा। तो इस तरह से जो टोटल क्वेश्चन हैं वो कितने होंगे, यहाँ पर 50 होने वाले हैं और टाइम यहाँ पर आप लोगों को 1 घंटे का दिया जाएगा। इसके अलावा SOF के द्वारा जो लेवल 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है NSO का, तो यहाँ पर तीन जो है ये टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं। तो फर्स्ट जो आप लोगों का है वो 17 अक्टूबर है, इसके बाद जो है सेकंड 21 नवंबर है और जो थर्ड है वो 5 दिसंबर है। तो इन तीनों ही डेट में अलग अलग आप लोगों की जो है लेवल 1 की जो है वो एग्जाम हो सकते हैं। किसी का यहाँ पर 17 अक्टूबर को होगा, किसी का 21 नवंबर को होगा और किसी का 5 दिसंबर को होगा लेवल 1 का एग्जाम फॉर क्लास 1 टू 12। तो सबसे फर्स्ट जो सेक्शन है वो लॉजिकल रीजनिंग का है। तो इसमें सैम्पल क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इफ अ सर्टेन रूल इज फॉलोड आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज। तो यहाँ पर जो है हमें मिसिंग कैरेक्टर इस वाले पार्ट में हमें बताना है, तो इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इधर हम इधर की साइड हम चलते हैं तो ए से डी जो है वो कितने जो है ए के बाद जो है डी जो है वो कितने नंबर के बाद आता है, तो 2 नंबर के बाद आता है। वहीं पर जो डी से जी है वो भी 2 नंबर के बाद यहाँ पर जो है ये लेटर आता है। वहीं पे जो D से I है वो कितने नंबर के बाद आता है, 4 के बाद आता है। वहीं I से जो N है वो भी 4 नंबर के बाद आता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, ऊपर में 2 और नीचे में 4। उसी तरह से हम नीचे देख लेते हैं, तो I से जो Q है उसमें कितना डिफरेंस है, तो 7 जो है नंबर के बाद ये लेटर आ रहा है। तो Q के बाद भी ये 7 नंबर के बाद जो लेटर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है जब Q के बाद हम 7 जो नंबर के बाद काउंट करेंगे तो Y यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंट्रोड्यूसिंग अ वीमेन, शशांक सेड शी इज द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ माय सन, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू शशांक। ऑप्शन नंबर ए डॉटर, ऑप्शन नंबर बी सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन नंबर सी वाइफ एंड ऑप्शन नंबर डी इज डॉटर इन लॉ। तो ये ब्लड रिलेशन, ब्लड ग्रुप रिलेशन का जो है ये क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो ब्लड रिलेशन वाले जो है भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं रीजनिंग के। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, एक वुमन को इंट्रोड्यूस करते हुए शशांक क्या बोल रहा है कि ये जो है ये वीमेन है वो कौन है, इसके जो बेटा है शशांक का जो सन है उसकी बेटी की मम्मी है, यहाँ पर मदर है यहाँ पर, तो ये क्या रिलेशन हो जाएगा। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है शशांक और इस वीमेन का जो रिलेशन निकलेगा तो ये क्या होगा, तो ये निकलेगा डॉटर इन लॉ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस तरह से जो है ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये रीजनिंग में आपको जरूर से जरूर देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। तो यहाँ पर जो है एक फिगर दे रखी है और हमें बताना है कि इन चारों ही फिगर में से किस में ये एम्बेडेड है, यानी कि छिपी हुई है ये वाली जो फिगर है। तो एम्बेडेड फिगर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी भी आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो हम देख लेते हैं कि ये जो पैटर्न ये फिगर दे रखा है वो किस में दे रखा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो सेम क्या है, इस फिगर से मैच कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो साइंस सेक्शन से लिया गया है। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज गिवन इन फिगर, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1। तो यहाँ पर जो है ये वेलोसिटी और टाइम का यहाँ पर ये ग्राफ दे रखा है, तो हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर कि मैक्सिमम स्लोप होगा, तो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर जो है 20 से 60 तो चेंज कितना हो रहा है, तो 60 में से 20 हम माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 40। अपॉन टाइम कितना चेंज हो रहा है, तो 40 जो है वो 30 से 40 यानी कि 10 सेकंड यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन निकल करके आएगा वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 इज टू बॉडीज ऑफ मासिस m1 एंड m2 एग्जर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर व्हेन प्लेस्ड इन अ सर्टेन डिस्टेंस डी अपार्ट। द परसेंटेज चेंज इन फोर्स व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द बॉडीज इज डिक्रीज्ड बाय डी बाय 3 इज ऑप्शन नंबर ए 800% डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी 225% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी 200% डिक्रीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज 125% इंक्रीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दो मासिस हैं m1 और m2 जो कि एक दूसरे पर जो है वो फोर्स लगा रहे हैं और एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस डी पर हैं। इसके बाद इनमें पूछा गया है कि कितना फोर्स में परसेंटेज चेंज होगा अगर हम जो है दोनों बॉडी के बीच में जो सेपरेशन है उसको डिक्रीज कर देते हैं डी बाई 3 से। तो हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा। तो फोर्स का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इस रिलेशन से निकाल लेंगे तो f1 जो है वो क्या हो जाएगा m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, इसके बाद जो है डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर डी बाई 3 से डिस्टेंस, तो डी माइनस डी बाई 3 करेंगे तो 2d बाई 3 आएगा, तो इसे हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो f2 कितना हो जाएगा m1 m2 अपॉन 4d स्क्वायर अपॉन 9। तो इस तरह से जब f1 बाई f2 यहाँ पर करेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 4/9 आएगा, तो F2 कितना होगा 9/4 F1। तो हमें यहाँ परसेंटेज चेंज निकालना है तो F2 - F1 / F1 × 100 हम करेंगे, तो आंसर जो फाइनल निकल करके आएगा वो 125 जो है डिग्री जो है परसेंटेज जो है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो 125% जो है यहाँ पर जो है चेंज हो जाएगा हमारा फोर्स में। क्वेश्चन नंबर 6 इज द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ए सब्सटेंस PR -220 डिग्री सेल्सियस एंड -185 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ टेम्परेचर्स विल बी एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो एक सब्सटेंस है P जिसका कि फ्रीजिंग पॉइंट इतना दे रखा है और बॉइलिंग पॉइंट हमें इतना दे रखा है, तो हमें ऐसा रेंज बताना है टेम्परेचर का जिसमें कि P जो है वो लिक्विड स्टेट में रहे। तो सबसे पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जिसके कि नीचे ऐसा टेम्परेचर जिसके कि नीचे जो सब्सटेंस है वो सॉलिड होने लगता है, और वहीं पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है जिसके कि ऊपर जो है सब्सटेंस जो है वो क्या होने लगता है, वो वेपर में चेंज होने लगता है। तो हमें ऐसा रेंज बताना है जो इन दोनों के बीच में आता है, तो वो रेंज है बिटवीन -195 डिग्री सेल्सियस एंड -215 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रेंज वाले क्वेश्चंस जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर से जरूर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज लीच नीरिस स्कलोपेंड्रा प्रॉन एंड स्कॉर्पियन ऑल हैव सेगमेंटेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बट स्टिल दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन वन ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर ए लीच एंड नीरिस बिलोंग टू द फाइलम एनेलिडा बिकॉज दे हैव मेटामेटरिकली सेगमेंटेड बॉडी। ऑप्शन नंबर बी स्कलोपेंड्रा प्रॉन एंड स्कॉर्पियन बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा एज दे पोजेस जॉइंटेड अपेंडेजेस, एंड ऑप्शन नंबर सी लीच नीरिस एंड स्कलोपेंड्रा बिलोंग टू फाइलम एनेलिडा बिकॉज दे पोजेस क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोथ ए एंड बी। तो यहां पर जो है लीच नीरिस स्कलोपेंड्रा प्रॉन और स्कॉर्पियन दे रखे हैं जिनकी में से सबकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, फिर भी इन्हें हम अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, तो इसका रीजन यहां पर पूछा है। तो इसका रीजन जो है वो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बोथ हो जाएगा, क्योंकि लीच और नीरिस जो है वो एनेलिडा से बिलोंग करते हैं बिकॉज दे हैव मैथमेटिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है, वहीं पे जो स्कलोपेंड्रा प्रॉन और स्कॉर्पियन है वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं क्योंकि इनमें जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तो इस तरह से बोथ ए एंड बी यहां पर राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन रेन मिक्सिस विद गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, दिस विल इवेंचुअली रिजल्ट इन ऑप्शन नंबर ए लोअरिंग ऑफ पीएच एंड चेंजेस ऑफ टेम्परेचर इन पॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर बी रेजिंग ऑफ पीएच इन पॉन्ड्स इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी लोअरिंग ऑफ पीएच इन पॉन्ड्स लिमिटिंग सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड ऑप्शन नंबर डी इज रेजिंग ऑफ पीएच इन पॉन्ड्स लिमिटिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो रेन होती है उसमें एसिड रेन जब रेन में
है प्रोड्यूस हो जाती है और उसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैस मिक्स हो जाती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, एसिडिक के नेचर होता है। तो यहाँ पर एसिडिक होने के कारण जो पीएच होगा वो क्या हो जाएगा, वो लोअर हो जाएगा। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये पीएच जो है लो होने के कारण जो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं पॉन्ड्स में उनके सर्वाइवल को ये लिमिट कर देते हैं। तो ये सारे ही दे रखे हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ना लास्ट क्वेश्चन जो है वो अचीवर सेक्शन से लिया गया है। तो क्या पूछ रहा है, व्हेन एन आइडियल सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स पी एंड क्यू, देयर इज ए कंटीन्यूअस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ सेकंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज मैक्सिमम एट थर्ड एंड मिनिमम एट फोर। तो यहाँ पर जो है 1, 2, 3, 4 जो है हमको यहाँ पर दे रखे है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से। तो हमें जो है यहाँ पर फिल करना है। तो क्या दे रखा है यहाँ पर, व्हेन एन आइडियल सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स पी एंड क्यू, देयर इज कंटिन्यूस क्या होता है यहां पर, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है यहां पर, एक्सचेंज होता है। वहीं पे जो द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ, तो ये किस पर डिपेंड करती है, रेफरेंस लेवल पे। और ये जो फोर्स यहां पर जो पेंडुलम के बॉब पे जो एक्ट करता है वो मैक्सिमम कहां पर होता है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे, और मिनिमम होता है ये मिड पॉइंट पे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है 9 क्वेश्चन जो है आप लोगों को सैंपल क्वेश्चंस के रूप में यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा क्योंकि एनएसओ में किस तरह से क्वेश्चंस इस बार पूछे जाने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी जरूर से जरूर शेयर करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।